जानवरों पर क्रूरता करना ये समाज शुरू से ही सिखा रहा है। कभी प्रेग्नेंट हाथी को अनानास में बम डालकर खिला देना, कभी बंदरों को बोरे में भरकर उनकी हत्या कर देना, और अब ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है तमिलनाडु का, जहां कुछ लोगों ने 40 वर्षीय हाथी को आग के हवाले कर दिया, जिसमें हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। ये मामला सामने आया है नीलगिरी जिले से, जहां कुछ लोगों ने हाथी के ऊपर कुछ फेंका जिससे आग भड़क उठी। आग के लपटों से दर्द में कहराता हाथी इधर उधर भागने लगा। आग की लपटों से वो इस कदर झुलस गया था कि उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले पर वन अधिकारियों ने बताया कि मसीनागुड़ी में प्राइवेट रिजॉर्ट के पास कुछ लोगों ने हाथी पर एक जलता हुआ कपड़ा फेंका। बता दें कि आग की वजह से हाथी बुरी तरह से झुलस गया था। वन अधिकारी इलाज के लिए हाथी को अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जांच में पता चला कि कुछ लोगों द्वारा हाथी पर एक जलता हुआ कपड़ा फेंका गया था। वहीं जांच अधिकारी अब इस वीडियो के जरिए आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। अधिकारियों ने दो लोगों को हिरासत में ले भी लिया है, जिनका नाम प्रसाद और रेमन डीन बताया जा रहा है, जबकि जो तीसरा आरोपी है रिकी रेयान, वो अभी भी फरार चल रहा है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।